राधे राधे, हरे कृष्णा। राजस्थानी तीतो आर रेसिपी में आपका स्वागत है। तो देखिए, हमने ली है तुरई आधा किलो, यानी 500 ग्राम। तो आज हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल में तुरई की सब्जी, बढ़िया एकदम टेस्टी। ये देखिए, मैंने ली है 5 प्याज मीडियम वाली, और ये लिए 1 लहसुन की पुती होगी जो हमने स्टोर करके रखा लहसुन को। इसी में से देखिए ये ऐसा उग रहा है, तो इस तरीके से हमने लहसुन डाल दिया इसमें। इसको मिक्सी में दरदरा पीस लेंगे। कढ़ाई हो गई हमारी गरम, तो हम डालेंगे इसमें तेल। तो ये देखिए छोटा चमचा है, तो हम 2 चमचे तेल डालेंगे बस। और अभी गर्मी है तो गर्मी में बहुत ज़्यादा तेल नहीं खाना चाहिए। इसमें 1/2 चम्मच राई, और राई का तड़का बहुत अच्छा लगता है तुरई में। और इसी के साथ डाल देंगे 1 चम्मच जीरा, और ये हमने लिए 4-5 काली मिर्ची और 4-5 लौंग। हमारे जीरा और राई चटक चुके हैं, वो देखिए। राई तो हमारी जैसे काली हो जाती है तो बहुत अच्छी खुशबू आती है उसकी, क्योंकि कच्ची राई का फ्लेवर सही नहीं लगता है। तो अभी थोड़ा सा कसर है इसमें राई में, देखिए ये वाइट वाइट दिख रही है ना, तो ये थोड़ी सी काली हो जाएगी। हमारे राई चटक चुकी है, अब डालेंगे यहाँ इसमें लहसुन और प्याज का पेस्ट, और बनाएंगे एकदम बढ़िया फ्राई कर लेंगे इसको, सेक लेंगे। डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी, हल्दी को हम सेक लेंगे। 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, नमक डालें आपके स्वाद के अनुसार, कम पड़े तो और डालेंगे। इसको मसाले को भी सेकेंगे थोड़ा सा, फ्राई कर लेंगे हल्का सा। पानी इसमें मसाला पकने जितना, गैस कर देंगे हमारी कम, ढक के रखेंगे इसको। हम हींग ये ढक्कन लगाएंगे पकने के लिए। तो हमारे 1 से 2 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटाएंगे हम और डालेंगे इसमें तुरई। तो ये देखिए किस तरह अच्छा कलर आया है, और ढक्कन लगा देंगे 3 मिनट के लिए। तो हमारे 2 मिनट हो गई है, ढक्कन हटाएंगे हम। और ये देखिए मसाला भी हमारा नीचे नीचे पक रहा था, हमने सब्जी को मिक्स नहीं करा था, तो अब हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स कर लिया है इस तरीके से अच्छे से, और अब हम इसको ढकेंगे लो फ्लेम पर, गैस करेंगे कम, और ढक देंगे हम 5 मिनट के लिए हमारी तुरई गलने तक। वैसे हम चाहते तो दूसरी कढ़ाई में गला लेते, तो इसलिए हमने इसी में डाल दिया। हमारी तुरई में टाइम लगेगा, 5 मिनट तो लगेगी लगेगी। तो हमारे 5 मिनट हो गए हैं, अब सब्जी हम देखेंगे हमारी गली के नहीं गली है। क्या शानदार खुशबू आ रही है सब्जी में से, देखिए गल चुकी है सब्जी। अभी तो थोड़ी सी कसर है इसमें, ये देखिए। अभी और इसमें मसाले डालेंगे हम, जब तक गल जाएगी। फिर थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे हमारा कलर अच्छा हो जाए। हमने पहले कम डाली थी मिर्ची, तो जब तक मिर्ची नहीं होगी जब तक स्वाद नहीं आएगा सब्जी में, मीठी मीठी लगेगी। तो थोड़ा डालेंगे हम पानी ग्रेवी के लिए, थोड़ी झोल वाली बना रहे हैं। और अभी ढक्कन लगाएंगे इसमें 2 मिनट के लिए। मिनट हो गए हैं, ढक्कन उठाएंगे हम। देखिए तेल हमारा अलग हो गया है, और बहुत कम तेल हमने डाला है इसमें। तो इसी के साथ डालेंगे हम टमाटर, ये देखिए हमारी गल चुकी है। बीज हमने निकाल दिए इसके, बिल्कुल अलग कर दिए बीज, और इस टमाटर गलने तक पकाएंगे हम इसको। और ये हमने बीज निकाल रहे हैं, इसका पानी भी हम छान के इसमें डाल देंगे। मैंने ढक्कन इसमें और तेज कर दी गैस 1 मिनट के लिए हमारे टमाटर गलने तक। बस हमारी सब्जी बन के तैयार ही है। 1 मिनट हो गया है, लो फ्लेम पर कर रखी थी हमने, और ढक्कन उठाएंगे। और देखिए हमारे टमाटर गल चुके हैं, और सब्जी हमारे एक घूम रही है कढ़ाई। तो इस
तरीके से आप बना के खाएं, कम तेल वाली सब्जी। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी खा सकते हो। तो इसी के साथ डाल रही हूँ मैं धनिया, देखिए अच्छे से धोना एक बार। और ये काला पत्ता हो गया थोड़ा सा, इसको उठा देंगे। और ये देखिए शानदार सब्जी बनके तैयार है। आपको तेल से मतलब नहीं है, स्वाद से मतलब होना चाहिए कि हमारे को खाने में कितना बढ़िया टेस्ट आ रहा है। तो राधे राधे, हरे कृष्णा, राजस्थानी तीज त्यौहार रेसिपी में देखते रहिए। तुरई की सब्जी बढ़िया हलवाई स्टाइल में, हलवाई इसी तरीके से बनाते हैं।